स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। एक ऐसा शख्स जिसे ना तो हम इंसान कह सकते हैं, ना ही हैवान। माना जाता है कि वह एक इंसान की खाल में छुपा हुआ राक्षस था। कहने में डरावना सा प्रतीत होता है, लेकिन ये सच है और इसे जर्मनी में ही छपे हुए कुछ तथ्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। यह एक सच्ची डरावनी कहानियों में से एक है। यह 16वीं शताब्दी के अंत का समय था, जब जर्मनी जैसे बड़े शहर में एक राक्षस रूपी इंसान ने खूब आतंक मचाया था। अगर इस हैवान की बात की जाए तो यह माना जाता है कि वह एक नरभक्षी था, जिसमें सामान्यतः महिलाएं व बच्चे शामिल थे। यह नरभक्षी पीटर स्टंप नाम का एक व्यक्ति था, जिसे बेटवर्ग के वेयरवुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। बेटवर्ग शहर जर्मनी, यह सन 1582 की बात है। पीटर स्टंप जिन्हें अबुल क्रिसवोल या उबुल क्रिसवोल के नाम से भी जाना जाता था, एक किसान थे जो कि कोलिग्रो स्थित बेटवर्ग शहर में रहते थे। वर्तमान में कोलिग्रो जर्मनी का चौथा सबसे बड़ा शहर है। वह एक साधारण इंसान की भांति ही थे और उनका एक परिवार था, जिसमें उनकी एक पत्नी और दो बच्चे थे। इस भयानक कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव में से कुछ जानवरों और इंसानों की आकस्मिक मृत्यु होना शुरू हो गई, जिसमें सामान्यतः औरतें व बच्चे शामिल थे। मरने के बाद उन लोगों के शरीर पर जो निशान होते थे, उन्हें देखकर प्रायः यह प्रतीत होता था कि जैसे वह खून किसी भेड़िए द्वारा किया गया हो। कुछ लोगों के सरों को उनके धड़ से अलग किया हुआ होता था और कुछ के शरीर को बुरी तरह से चीर फाड़ कर फेंक रखा होता था। यह देखकर वहां के गांव वालों को यह विश्वास होने लगा कि यह सब मौतों का कारण कोई भेड़िया ही है, लेकिन इन सब के पीछे कोई और नहीं, पीटर स्टंप ही था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन यह सच है। माना जाता है कि पीटर स्टंप को बचपन में जब वह 12 साल के थे, तब किसी ने उन्हें एक जादुई बेल्ट दिया था, जिसकी मदद से वो इंसान से भेड़िए में तब्दील हो सकता था और वापस भेड़िए से इंसान के रूप में भी बदल सकता था। यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यही सच है। यह वही इंसान रूपी भेड़िया था जिसने 16वीं शताब्दी के अंत में बेटवर्ग शहर में खूब लोगों की जान ली थी। पीटर स्टंप बेल्ट को पहनकर अपने आप को भेड़िए के रूप में रूपांतरित करता और पहले महिलाओं का यौन शोषण करता और फिर उन्हें बुरी तरह से मार देता। आदमियों और बच्चों के शरीर को फाड़कर उनके अंदर की मांसपेशियां बाहर निकाल देता था और जब वह उस बेल्ट को खोल देता तो वह फिर से इंसानी शरीर में आ जाता था और लोगों के बीच में सामान्य व्यक्ति की तरह घूम फिरकर अपना जीवन जीता। पीटर स्टंप को उस बेल्ट से काफी जादुई शक्तियां मिली थी, जिसकी मदद से वह कुछ ऐसी चीजें करता जिन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। माना जाता है कि पीटर स्टंप शिकार करने के लिए पहले लोगों को पीछे से आवाज देता और जैसे ही वह इंसान पीछे मुड़ता, उसके पैर जमीन में धंस जाते और वह उस जगह से हिल नहीं पाता और फिर वह उसका शिकार करता। किसी भी व्यक्ति को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब गांव वालों ने एक दिन एक औरत के गांव से गायब होने पर भेड़िए पर शक करते हुए उसका पता लगाया और भेड़िए का पीछा किया, तो यह बात हैरान कर देने वाली थी कि यह कोई और नहीं, पीटर स्टंप ही था। 1589 में पीटर स्टंप को दोषी करार दिया गया और यह सत्यापित किया गया कि वह बेटवर्ग में हुई सभी मौतों का जिम्मेदार था। वह एक पागल सीरियल किलर था और उसे बहुत भयंकर मौत से मारने की सजा सुनाई गई। पीटर स्टंप की पत्नी और बच्चों को भी सच जानने और ना बताने के जुर्म में सजा सुनाई गई। इस तरह से पीटर स्टंप का अंत हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।